अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। सो गाइज, मैं जैसा कि आपको पता है, पहले भी वंदे भारत ट्रेन जो कि इंडिया की एक ज़बरदस्त आउट क्लास फास्टेस्ट ट्रेन है, उसके बारे में मैं पहले भी रिएक्शन दे चुका हूं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि दोबारा से उसी ट्रेन को थोड़ा और अपग्रेड करके उसमें स्लीपर्स भी लगाए गए हैं कि बंदा आराम से उसमें सो के भी सफ़र कर सकता है। और ऐसा है भी के नहीं है, चले जानते हैं। दोस्तों, वंदे भारत के स्लीपर वर्जन के बारे में अपडेट्स हमें बार बार मिलती रहती है, नई नई डेट्स मिलती रहती है, इनफैक्ट ऑफिशियल सोर्सेस से हमें डेट्स मिलती रहती है, लेकिन इसके बावजूद जो वंदे भारत स्लीपर वर्जन ऑफ ट्रेन है, ये आने के कोई भी आसार क्लैरिटी के साथ में नजर नहीं आते। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो ICF चेन्नई में नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज के पार्टनरशिप के साथ में बनाई जा रही है। अब ICF के अंदर से चीजें लीक होना जो है बहुत आम बात है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसी चीजें होने नहीं देती। इसके कारण हमें अब तक कोई भी फोटोज वगैरह जो है ऐसे मिल नहीं पाए हैं एक्चुअल वंदे भारत स्लीपर वर्जन के, लेकिन ये फेक है माना, न्यूज़ है जब रेलवे ऑफिशियल्स ने कुछ डिटेल्स शेयर की है। अच्छा। कि क्या एग्जैक्टली देखने मिलेगा हमें वंदे भारत स्लीपर के वर्जन के अंदर, कहां तक इसकी टाइमलाइन पहुंची है और बाकी नए अपडेट्स तो वो क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस जो होने वाली है, ये ट्रेन के बारे में जो सबसे पहला मेजर अपडेट है वो ये है कि विद इन फ्यू मंथ्स इसकी शुरू हो जाएगी और किस तरीके का होगा वो हमें समझ में आया। 11 AC 3 टीयर कोचेस यहाँ पर होंगे, 4 AC 2 टीयर कोचेस होंगे और AC फर्स्ट कोच होगा। तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत अजीब है, ट्रेन बहुत ज्यादा प्रीमियम होने वाली है, राजधानी से भी ऊपर के क्लास की, तो यहाँ पर 3 टीयर देना कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज्यादा एक अजीब डिसीजन नजर आता है। एट द सेम टाइम AC फर्स्ट कोच भी कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक अजीब डिसीजन है, क्योंकि AC कोच जो है वो एक लॉस मेकिंग कोच है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि AC फर्स्ट कोच जो है वो मैक्सिमम जो लोग इस्तेमाल करते हैं अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे लोग हैं जिनको सब्सिडीज वगैरह मिलती है गवर्नमेंट से या उनको फ्री ट्रैवल वगैरह होता है, तो यहाँ पर AC फर्स्ट कोच रेटिंग इसके लिए किया गया है। टीयर 2 कोचेस समझा जा सकता है, स्पेस के हिसाब से वगैरह यहाँ पर चीजें जो जरूरी है वो टीयर 2 में अवेलेबल हो जाती है, तो इस तरीके का कहीं ना कहीं पे कोच कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे ट्रेन के ऑपरेशन स्पीड 160 के हिसाब से तो रखी गई है, हालांकि हम जानते हैं ट्रैक का सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन जो टेस्टिंग होगी ट्रेन की प्रॉपर कंडीशन के अंदर वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर की जाएगी। अब बात करते हैं ट्रेन के कोचेस के अंदर जो बर्थ होंगे वो कैसे होंगे, जो नेक्स्ट अपडेट है उसके हिसाब से कंफर्ट का जो एक लेवल होता है वो एनहांस किया गया है। कैसे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुशनिंग प्रोवाइड की जाएगी और जो फोम इस्तेमाल किया जाएगा वो भी एक बेहतर क्वालिटी का होगा। जनरली जो रेलवे कोचेस के अंदर फोम इस्तेमाल आज के डेट में हो रहे हैं, ये बेसिकली भूसा होता है, एकदम लोएस्ट क्वालिटी फोम होता है, तो ये शेप चेंज कर देता है, हीट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर वो चीजें देखने नहीं मिलेगी। एट द सेम टाइम जो लैडर डिजाइन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि मिडल बर्थ इजीली एक्सेसिबल हो पाए, तो कुछ फोटोज वगैरह भी मिले हैं हमें, लेकिन जो कि BEML प्राइवेटली डेवलप कर रही है, तो जब फाइनल ट्रेन आएगी तब डिजाइन किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए हैं कभी समझ में आएगा। अभी बात करें ट्रेन के अंदर लाइटिंग की, तो यहाँ पर सेंसर बेस्ड लाइटिंग होगी, यानी जब कोई अवेलेबल होगा, दिन रात का टाइम जैसे होगा उसके हिसाब से ही लाइटिंग चलेगी। जो दरवाजे होंगे वो भी सेंसर बेस्ड इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ में आएंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक एंट्री एग्जिट डोर्स तो देखने मिलेंगे जैसे वंदे भारत तेजस में देखने मिलते हैं, लेकिन जो कुछ नए मेजर चीजें देखने मिलेंगी वो होगी नॉइस इंसुलेशन और मिटिगेशन फॉर नॉइस मेजर्स के अंदर। इसकी वजह से जो कोच के अंदर का जो खाली जगह होती है शेल में, उसके अंदर नॉइस इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाएगा जैसे गाड़ियों में होता है, और इसी कारण इस ट्रेन में बाहर की आवाज बहुत ही कम आएगी, शांत जर्नी होगी। एट द सेम टाइम जो गैंगवेज है कोच को जोड़ने वाले हिस्से, ये पूरी तरीके से सील्ड हो गए, इसकी वजह से ट्रेन के अंदरूनी हिस्से के अंदर कंटिन्यूसली एक डस्ट फ्री एनवायरमेंट मेंटेन हो पाएगा। अब बात करें कुछ अगले अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो कपलिंग का मेथड होगा, यानी कि जो कोच से कोच जुड़ने का मैकेनिज्म होगा, वो सेमी परमानेंट होगा, और ये वही मैकेनिज्म है जो वंदे भारत चेयर कार के अंदर यूज होता है। ये सेमी परमानेंट होने की वजह से कुछ कोचेस में चेंजेस वगैरह थोड़ा इशू आता है, लेकिन एनीवेज ये ट्रेन जो है EMU की तरह चलाई जाती है, लेकिन इसकी वजह से जर्क फ्री स्मूथ राइड मिलेंगे और क्रैश वर्दीनेस फीचर भी यहाँ पर ज्यादा बेहतर होंगे। करेंटली रेलवे जो ट्रैक रिकॉर्ड दे रही है उसके हिसाब से ये भी जरूरी है। अगला जो मेजर डिजाइन चेंज आएगा वो होगा एक्सटीरियर में। अब दोस्तों ऑब्वियसली क्योंकि BEML प्रोडक्शन कर रही है, ICF नहीं, तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर क्वालिटी होगी पैनल्स की वो भी बेहतर होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर फिट एंड फिनिश होगी, और डिजाइन का इंस्पिरेशन यहाँ पे बताया गया है जो है कैवस ऑफ
ईगल्स। अब इसका मतलब क्या है ये वही लोग जाने, लेकिन लाइंस जो होगी वो बहुत एग्रेसिव होगी स्ट्रेन पर, ऐसा कहा गया है। करेंटली जो वंदे भारत है उसको कहते हैं चीता का एक लुक दिया जाता है सामने की तरफ से, अब दिखता नहीं है, लेकिन जो लोगो है वंदे भारत ट्रेन का वो वैसा वाला है जो आईसीएफ के अंदर से आया था। तो जो ये वंदे स्लीपर ट्रेन जो आ रही है, ये कि बारिश का मौसम खत्म होते होते हमें एटलीस्ट जो है ऑफिशियल अनवील्स कुछ दिख जाएंगे, फोटोज एक्सटीरियर वगैरह के, जो इंटीरियर है, इनॉग्रेशन है, ये तो टेस्टिंग के बाद में होगा, पहला प्रोटोटाइप है तो टेस्टिंग यहाँ पर अच्छी खासी होगी। सो गाइज, मैंने जैसा कि आपको बताया पहले भी, मैंने वंदे भारत जो है एक्सप्रेस पे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन अब प्रॉपर स्लीपर्स वाली भी आ रही है कोच, और जैसा दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर के एक बहुत ही लग्जीरियस ये कोच बनाने वाले हैं, ट्रेन बना रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ ऐसे ही अच्छी होंगी। सो गाइज, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, और ये भी बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।